हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अस्तर कौन सा किस कपड़े में लगाया जाता है और कौन कौन से अस्तर के नाम होते हैं और कौन से फैब्रिक में हमें किस टाइप का अस्तर लगाना चाहिए। काफी टाइम से आप लोगों की ये डिमांड थी कि हमें ये पता नहीं लगता किस कपड़े के नीचे कौन सा कपड़ा हम लगाएं, नेट के नीचे कौन सा कपड़ा लगाएं या टिशू के नीचे कौन सा कपड़ा लगाएं, जॉर्जेट के नीचे कौन सा कपड़ा लगाएं या कॉटन के नीचे कौन सा हम अस्तर यहाँ पे लगाएं। तो आज मैं आपके लिए कई चीजें इस तरीके की लेकर के आया हूँ। जैसे ये हमारा टिशू है और इसके नीचे हमने डाई कराई हुई है यहाँ पे ये साटन। तो एक एक चीज बताऊंगा आपको। जैसे इस तरीके के ये सूट आते हैं सिल्क में, इनके नीचे हमें कौन सा कपड़ा लगाना चाहिए। और जैसे कि ये इस तरीके के कपड़े होते हैं या कॉटन के कपड़े होते हैं प्योर कॉटन के, या टिश्यू होता है इस तरीके के जो ब्लाउज आते हैं, ब्लाउज पीस आते हैं, इनके नीचे क्या लगाना चाहिए और कौन कौन सा अस्तर मार्केट में आता है, इस तरीके के मैं यहाँ पे आपके लिए ये कुछ फैब्रिक लेकर के आया हूँ और साथ ही लेकर के आया हूँ यहाँ पे अस्तर। तो अस्तर और फैब्रिक एक एक पॉइंट के बारे में हम जानेंगे, कौन सा फैब्रिक हमें कब यूज करना चाहिए और कितना मतलब हमें फिटिंग में सही रहता है। अगर हम यहाँ पे गलत एक चूज कर लेते हैं, सपोज करो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, जैसे कोई हार्ड कपड़ा होता है उसके नीचे हम हार्ड ही कपड़ा लगा देंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, मतलब आपकी प्रॉपर फिटिंग नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौन से पीस में कौन सा कपड़ा लगाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको अस्तर बता देता हूं कौन कौन से मार्केट में मिलते हैं। यहां पे मैं अलग कर देता हूं ये पीस, देखिए ये भी हमारा अस्तर है, ये भी हमारा अस्तर है, ये भी हमारा अस्तर होगा और यहां पे और दिखाना चाहूंगा, ये भी हमारा अस्तर होगा। अब यहां पे मैं आपको सभी के एक एक करके नाम बता देता हूं। देखिए जो ये वाला अस्तर होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं सेंटून। यहाँ पे ये वाला सेंटून है, ये याद रखें। कई लोग बोलते हैं ये टापटा भी होता है, टापटा ये नहीं होता, जो टापटे वाला अस्तर होता है वो होता है ये वाला। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये टापटे वाला अस्तर होता है। कई लोग इस कपड़े को टापटा कह के बेचते हैं, तो ये आप ध्यान रखें कौन सा कपड़ा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। ये होती है सेंटून, मतलब ये कपड़ा आज मार्केट में काफी ट्रेंड में रहता है क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। इस कपड़े का जो रेट है ये चालीस रुपए से 50 रुपए मीटर तक मिलता है, ये आपने ध्यान रखना है। इस कपड़े का रेट 40 से 50 रुपए मिलेगा सभी जगह पे, कहीं जगह तो ये 35 भी मिलता है लेकिन वो थोड़ा हल्का हो जाता है। तो दोस्तों ये आता है 40 से 50 रुपीज मीटर। इसमें एक क्वालिटी और भी आती है, तो ये क्वालिटी ज्यादातर सूट वाले देते हैं और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। जैसे कि यहाँ पे ये सूट आप देख रहे हो, इसके अंदर यहाँ पे ये वाला कपड़ा दिया हुआ है, ये देखिए ये अस्तर दिया हुआ है और ये बॉटम का फैब्रिक दिया हुआ है, मतलब बॉटम और अस्तर का सेम फैब्रिक यहाँ पे दिया हुआ है। और ये सिल्क जो डुल सिल्क होती है, मतलब एक जैसे कि हार्ड सिल्क नहीं होती, इस तरीके से आप देखोगे सॉफ्ट सिल्क होती है। और इसके नीचे अगर आप ये वाला कपड़ा लगाते हो हैवी वाला, मतलब एक तो आता है ये 40 से 50 रुपए मीटर, लेकिन इसमें सॉफ्ट आता है ये वाला, इसकी जो फिटिंग आएगी और इस कपड़े में फिटिंग आएगी वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। इस कपड़े की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये वाला जो कपड़ा मिलेगा आपको अच्छे वाला, ये तकरीबन 60 से 70 रुपए मीटर मिलेगा, 60 से 70 रुपए पर मीटर ये वाला मिलता है। इसको बोलते हैं यहाँ पे डुल सेंटूल, इसका नाम है डुल सेंटूल। तो आप जब भी कपड़ा ले तो कोशिश करें अच्छे वाला ले, नहीं तो ये हल्का रहता है। अब बात आ जाती है लगाने की, उसी पीस के साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सा कपड़ा हमें कहाँ लगाना होता है। देखिए यहाँ पे जो ये कपड़ा है ये हम नेट के नीचे लगाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आजकल जो गाउन वगैरह बनते हैं या फिर ब्लाउज पीस है, जैसे ये ब्लाउज पीस है तो यहाँ पे ये नीचे की साइड ऐसे लगाया जाता है इस तरीके से, ये देखिए, तो इसकी ग्रेस अलग ही आती है। और इसमें अगर आप थोड़ा अच्छा ले लोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन कई कपड़े क्या होते हैं हार्ड होते हैं, जैसे ये नेट है ये सॉफ्ट है। और यहाँ पे मैं दूसरा ब्लाउज पीस भी आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे ये वाला है दूसरा ब्लाउज पीस। अगर हम ये है टिश्यू,
देखिए कितनी भी कॉस्टली साड़ी हो, अगर आप उसमें अच्छा काम नहीं करोगे, नीचे अच्छा कपड़ा नहीं लगाओगे, तो हल्का हो चाहे भारी कपड़ा हो, चाहे कितना ही कॉस्टली हो, चाहे कितना ही सस्ता, तो आपकी ग्रेस नहीं आने वाली। तो इसमें अगर हम यहाँ पे टीसू के नीचे अगर हम यहाँ पे ये वाला कपड़ा लगाते हैं तो इतनी ग्रेस नहीं आती, और इसमें क्या होगा कि लाइट कलर में ट्रांसपेरेंट भी रहेगा। तो हमने यहाँ पे यूज करना है टाफ्टा, इसको बोलते हैं टाफ्टा। ये है दूसरी लाइनिंग जो कि टाफ्टा के तौर पे जानी जाती है। ये ओरिजिनल टाफ्टा है और इसको व्हाइट ज्यादातर मिलता है, ये मैं आपको बता दूं, व्हाइट मिलेगा, ये आपको डाई कराना पड़ेगा। इसका व्हाइट का रेट जो होगा हमारा 90 से 100 रुपीज पर मीटर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, 90 से 100 आपको पर मीटर मिलेगा। फिर आप इसको डाई कराओगे, डाई हमारा 30 से 40 तक डाई हो जाता है, तो ये इसकी ग्रेस जो आएगी बहुत ही अच्छी आती है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, और इसमें शाइनिंग भी बरकरार रहती है। ये देखिए कितनी प्यारी यहाँ पे इसकी शाइनिंग आएगी और कितनी प्यारी यहाँ पे ग्रेस आएगी। और इसमें क्या होता है, ये एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, जो फिटिंग है बहुत अच्छी आती है इस फैब्रिक में फिटिंग, तो इसको बोलते हैं टाफ्टा। तो ये भी आप किसी नेट के नीचे भी यूज कर सकते हो, या टीसू के नीचे भी यूज कर सकते हो, या फिर बहुत ही जो पतले कपड़े आते हैं जॉर्जेट वगैरह, वहां पे भी ये कपड़ा यूज किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो जॉर्जेट वाला जो कपड़े आते हैं इस तरीके के आते हैं, देखिए जॉर्जेट वाला कपड़ा है बहुत ही पतला है, इसके नीचे भी आपने यहाँ पे या तो ये यूज करना है टाफ्टा, या फिर आप साटन भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये होती है समोई साटन, ये भी हमें 100 रुपए मीटर मिलती है और व्हाइट मिलती है, ये आपने ध्यान रखना है। ये यहाँ पे ये देखिए इस तरीके के जो पीस आते हैं ये वाले, ये देखिए कितनी ग्रेस है। तो ये हमने डाई कराई हुई है, ये भी मैंने बनाना है, कुछ देखूंगा क्या बनाना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं साटन। साटन जो होती है ये डाइएबल होती है, मतलब डाई वाली अगर साटन आप कह के बोलते हो कहीं पे मांगते हो तो आपको ये वाली साटन मिल जाएगी। और इसके आप ब्लाउज भी बना सकते हो अलग से, जैसे कि कोई पुरानी साड़ी होती है सपोज करो, और उसका ब्लाउज आपका टाइट हो गया या खराब हो गया, तो आप इस तरीके का व्हाइट कपड़ा लो और उसको सेम कलर का डाई करा लो, सभी कलर आपके डाई हो जाएंगे। और यही चीज लगती है जो नेट वाली चोली आती है उनके नीचे, या लहंगे आते हैं उनके नीचे यही चीज लगाते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा ग्रेस आती है, इसमें शाइनिंग होती है तो ग्रेस अपने आप ही आएगी। तो ये इस तरीके के फैब्रिक होते हैं, ये साटन सेंटून और डुल साटन, इस तरीके के ये अलग अलग आइटम होती हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं जो कॉटन के फैब्रिक मार्केट में चलते हैं और ज्यादातर यही यूज किए जाते हैं, इनका रेट क्या होता है, क्या क्वालिटी होती है, तो आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले तो मतलब मैं बता दूं, जिस जो इस तरीके की जो सिल्क आते हैं ये ज्यादातर आजकल पूरी ट्रेंड में है, इनके नीचे आप कॉटन का ही फैब्रिक लगाएं, ये आप ध्यान रखें, कॉटन के अलावा इसके नीचे फैब्रिक नहीं चलेगा। अगर हम दूसरा फैब्रिक लगाएंगे कोई भी तो वो ठीक नहीं रहेगा, ना ही उसकी फिटिंग आएगी, क्योंकि कई कपड़े जो होते हैं सेंटून वगैरह वो चिपकते हैं तो इसलिए, और उनमें गर्मी लगती है, तो आपने इस तरीके की सिल्क के नीचे ये कॉटन वाली लाइनिंग ही लगानी होती है, इसको लाइनिंग बोलते हैं, अस्तर भी बोलते हैं, लाइनिंग भी बोलते हैं। और इसका जो रेट होता है, यहाँ पे मैं रेट की बात करूं, जैसे हमारा 35 से 40 रुपीज पर मीटर मिलता है ये सभी जगह। इसमें एक हल्की क्वालिटी भी आती है लेकिन वो बहुत ज्यादा हल्की होती है, जो 30 रुपए मिल जाती है या 32 रुपए या 28 रुपए, वो आप यूज ना करें, उसमें बहुत ही ज्यादा मावा होता है एक तरीके से, अंदर वो गफ हो जाती है बाद में धुलने के बाद, मतलब मजा नहीं आता उसका ना, तो ना उसकी फिटिंग आती। तो आपने जो भी यूज करनी है तो इस तरीके की अस्तर यूज करना है। अब बात आ जाती है इसमें केमिकल की, एक होता है इसमें केमिकल अस्तर, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इस तरीके का ये केमिकल अस्तर होता है, ये थोड़ी हैवी लाइनिंग होती है, ये हमारी जो मिलेगी 60 से 70 रुपीज पर मीटर मिलती है। जैसे सपोज करो आपके पास 2000-2500 का सूट बनने के लिए आया है तो आप उसमें ये वाला अस्तर यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और ये पतला होता है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, तो इसको बोलते हैं केमिकल अस्तर, और इसको बोलते हैं सिंपल अस्तर लाइनिंग वाला। तो जैसे कॉटन के पीस आते हैं ये वाले, इस तरीके से जैसे कॉटन का पीस है ये वाला, तो इसके नीचे हम ये वाला ही फैब्रिक यूज करेंगे
ये वाला जो कि हमें 35 से 40 रुपए मीटर मिलता है। जैसे 1200 का सूट आता है तो आप ये वाला आराम से ये यूज कर सकते हो और इसकी फिटिंग भी हमारी प्रॉपर अच्छी आएगी। अगर कोई आपका 3000 4000 या 7000 का सूट है तो उसमें आप यहाँ पे जो केमिकल अस्तर है वो यूज करना है, जो कि थोड़ी हैवी क्वालिटी आती है और मतलब स्टेप बहुत अच्छा आता है। और जो ये वाला अस्तर आता है 35 से 40 रुपए मीटर, इसको आप हमेशा वॉश करके धो के प्रेस करके उसके बाद लगाना होता है। अगर आप बिना धोए इस अस्तर को लगाते हैं तो आपकी फिटिंग नहीं आएगी और बाद में ये सुकड़ के छोटा हो जाएगा और इसमें कांड भी आ जाएगी। तो इसलिए ये ध्यान रखें, इस कपड़े को हमेशा धो के वॉश करके अच्छे से मतलब आपने पानी में डीप करना है, 20 मिनट के बाद निकाल के सुखा देना है और सुखाने के बाद फिर इसको यहाँ पे आप प्रेस करें और उसके बाद यूज करें, ये आपने ध्यान रखना है। तो और इसकी कांड निकालने का तरीका मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो पूछ सकते हो कि अस्तर की कांड कैसे निकाली जाती है, क्योंकि 99% अस्तरों में कांड आती है, तिरछापन आता है, तो इसलिए कांड निकाल के ही आपको यूज करना होता है। तो ये बताया है मैंने कॉटन के लिए जो अस्तर आता है ये वाला यूज करना है, और ये हमें केमिकल जो कि सिल्क वगैरह आते हैं, हैवी सूट आते हैं, महंगे सूट आते हैं, तो उसमें केमिकल अस्तर यूज किया जाता है। तो मैंने दोस्तों आज काफी सारे आइटम आपको दिखाए हैं, कौन कौन सा पीस होता है और किस तरीके का हमें कहाँ पे यूज करना चाहिए अस्तर। तो आई होप कि आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर कहीं पे भी डाउट लगता है तो हमें आप पूछ सकते हो कमेंट करके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।